प्रिया या अनमोल सचान, ये संजय मिश्रा, ये सारे लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इशारे पर, भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को बर्बाद करने की साजिश का हिस्सा है। प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर मुझे फर्जी फंसाने और जेल में डालने की गहरी साजिश। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के इशारे पर देश की दो सबसे बड़ी जांच एजेंसी ईडी और सीबीआई, इसका यही काम रह गया। इसका मकसद कोई जांच करना नहीं, बल्कि देश के सबसे लोकप्रिय नेता अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी, उसको फंसाना, उसको बदनाम करना, उनके साथ जुड़े हुए लोगों को जेल में डालना, उनको प्रताड़ित करना, ये काम रह गया। रोज नई नई कहानियां, रोज नया नया झूठ, रोज नई फंसाने की साजिश। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के इशारे पर देश की दो सबसे बड़ी जांच एजेंसी ईडी और सीबीआई, इसका यही काम रह गया। इसका मकसद कोई जांच करना नहीं, बल्कि देश के सबसे लोकप्रिय नेता अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी, उसको फंसाना, उसको बदनाम करना, उनके साथ जुड़े हुए लोगों को जेल में डालना, उनको प्रताड़ित करना, यह काम रह गया। देश की इन दोनों ईडी सीबीआई की जांच एजेंसी का काम गन पॉइंट पे बयान लेना रह गया है। गवाहों से गन पॉइंट पे बयान लेते हैं, धमकाते हैं, डराते हैं और बयान लेने के बाद फंसाते हैं, जेल में डालते हैं। सबूत कुछ नहीं, तथ्य कुछ नहीं, प्रमाण कुछ नहीं, घोटाला कुछ नहीं, लेकिन धमकाना है, डराना है। प्रधानमंत्री मोदी जी के निर्देश पर उनकी कठपुतली बन के नाचना है, ये काम ईडी और सीबीआई का हो गया है। और कई प्रमाण हम पहले दे चुके हैं, आज और बहुत सारी चीजें आपके सामने रखेंगे। क्या भाषा बोलते हैं ये लोग, और इसके दो तीन बड़े किरदार हैं। एक संजय मिश्रा है जो ईडी के डायरेक्टर है, दूसरा वहां पर एक महिला अधिकारी है भानुप्रिया, तीसरे एक सीबीआई के अधिकारी है अनमोल सचान। आप कल्पना करेंगे, आप सोच सकते हैं कितना बड़ा आपराधिक कृत्य अधिकारी कर रहे हैं, कितना बड़ा अपराध अपने ड्यूटी के साथ। मैं इन सभी अधिकारियों से कहना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी जी तो 75 साल के बाद संन्यास ले लेंगे, लेकिन आपको तो आगे भी नौकरी करना है। न्याय कीजिए, ईमानदारी से अपनी ड्यूटी का पालन कीजिए। यह डराना, धमकाना, ये गन पॉइंट पे बयान लेना, ये कान फाड़ना, ये कहना कि तुम्हारी बेटी कॉलेज कैसे जाएगी देख लेंगे, ये सब बंद कीजिए। किसी के बाप को बुला के बैठा के धमकाया जा रहा है, किसी की पत्नी को बुला के बैठा के धमकाया जा रहा है, किसी की मां को बुला के धमकाया जा रहा है। मां बाप पत्नी को पहले अपने साथ एक कमरे में बंद करके रखते हैं, उसके बाद जाके जेल में कहते हैं कि वो सब हमारे कब्जे में है, बयान दे, नहीं तो ये कर देंगे, वो कर देंगे। और इन तीनों अधिकारियों को इन्वर्टेड कामा में बताना चाहता हूं, ध्यान से सुन लीजिए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के मामले में, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बहुत ध्यान से सुन लीजिए कि अब आपके द्वारा लिखे गए बयान और जिस बयान पर जबरन आप हस्ताक्षर कराने के लिए प्रयास कर रही थी, उसका साक्ष्य हमारे पास आ गया है और समय रहने पर उसको उजागर करेंगे। बहुत सारे साक्ष्य आप लोगों के, हम लोगों के पास आ चुके हैं कि किस तरीके से आप ये पूरी जांच कर रहे हैं।
किस तरीके से पूरा ये षड्यंत्र रच रहे, पूरा खेल कर रहे हैं, उसके पूरे साक्ष्य हमारे पास आ चुके हैं। क्या शुरुआत की जांच की इन्होंने? और इस पूरे मामले में ईडी में आईओ तो है जोगिंदर सिंह, लेकिन उनकी कुछ चलती नहीं, वो कुछ नहीं कर सकते अपनी मर्जी से। संजय मिश्रा के इशारे पर भानुप्रिया जो एक महिला अधिकारी है उसको निर्देश दिया जाता है, ऐसे प्रताड़ित करो, ऐसे मारो, ऐसे धमकाओ, ऐसे गालियां दो, ऐसे अपमानित करो, और बयान लिख के जाती है, बयान लिख के बोलती है इस पे साइन कर, ये लिख के दे रही हूं इस पे साइन कर, यह भाषा होती है उस अधिकारी की। और ऐसे तमाम साक्ष्य और प्रमाण हम लोगों के पास आ चुके हैं जो कोर्ट के सामने हम लोग रखेंगे। पहले क्या आरोप लगाया? कहने के साथ 100 करोड़ का शराब घोटाला हुआ है। फिर क्या बोले? बोले 20 से 30 करोड़ का साक्ष्य मिल गया है। 8 महीने तक जांच चली, 8 महीने तक सैकड़ों अधिकारी कई राज्यों में छापेमारी, गिरफ्तारी, प्रताड़ित करना, गुंडागर्दी सब कुछ कर डाले। 100 करोड़ का आरोप, 8 महीने तक जांच, फिर उस 100 करोड़ के फिगर को बदल के 20 से 30 करोड़ रुपए कर देते हैं कि साहब 20 से 30 करोड़ का साक्ष्य मिल गया। 8 महीने बाद कोर्ट ने पूछा, भाई 20 30 करोड़ का साक्ष्य कहां है? तो कहने लगे साहब 6 लाख रुपए का साक्ष्य। मजाक सुनिएगा आप, कह रहे हैं 6 लाख रुपए का प्रमाण है। आरोप है 100 करोड़ का, फिर आए 20-30 करोड़ पे, फिर प्रमाण दे रहे हैं 6 लाख रुपए का। यह इनकी जांच, यह इनकी नौटंकी, यह इनका ड्रामेबाजी। अभी 2 दिन पहले से क्या शुरू किया है? 17 करोड़ का सबूत मिल गया। आप रोज नए ड्रामे कर रहे हो, रोज नया मजाक बना रहे हो। आप, आपकी ईडी सीबीआई कोई जांच एजेंसी है या कॉमेडी कंपनी है? आपने एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट खोल रखा है। पहले कहोगे 100 करोड़ का घोटाला, फिर कहोगे 20 से 30 करोड़ का घोटाला, फिर कहोगे 6 लाख का साक्ष्य, फिर कहोगे 17 करोड़ का है। अब कुछ नहीं मिला तो अब 17 करोड़ का एक और मिला। इतना ही अगर अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी से नफरत है तो मैं तो प्रपोजल दे चुका हूं प्रधानमंत्री जी को कि किसी चौराहे पे खड़ा करके हम लोगों को तोप से उड़वा दीजिए। इतनी नफरत क्यों रखते हो भाई? कोई साक्ष्य नहीं मिल रहा, फिर 2 दिन पहले से शुरू कर दी 17 करोड़। अब 1 साल तक 17 करोड़ की जांच चलेगी, 1 साल तक सबको जेल में धमका धमका के रखो। और ये 17 करोड़ की जांच के लिए भी वही टैक्टिस, डराओ धमकाओ झूठे बयान लो, वही टैक्टिस। कोर्ट ने 8 महीने के बाद जब पूछा, भाई सबूत तो दो, आरोप लगा रहे हो 100 करोड़ के घोटाले का, कोई तो सबूत दो। 1 रुपए का ना घोटाला हुआ है ना 1 रुपए का इनके पास कोई सबूत है। ये दोनों की दोनों जांच एजेंसियां नरेंद्र मोदी के इशारे पे अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को बर्बाद करने की पूरी कोशिश और साजिश रच रही है। एक भी साक्ष्य इनको नहीं मिला, एक प्रमाण इनको नहीं मिला। अभी एक व्यक्ति के बारे में हल्ला मचाया गया कि साहब उसने केजरीवाल के बारे में बयान दे दिया, केजरीवाल से उसकी बात हुई, केजरीवाल से उसकी मुलाकात हुई। अब सोचिए, देश के 3 बार के चुने हुए दिल्ली के राज्य के मुख्यमंत्री, उनके बारे में झूठा प्रचार मीडिया के माध्यम से किया गया कि किसी शख्स का बयान आ गया है कि साहब ये तो केजरीवाल का नाम ले रहा है, केजरीवाल से मुलाकात हुई है, केजरीवाल ऐसा केजरीवाल वैसा। उसकी सच्चाई ये पता चली कि उसके मां, उसके पिता और उसकी पत्नी को बुलाकर अपने पास रख के धमका कर उससे बयान लिया गया। बाद में उसी व्यक्ति ने कोर्ट में जाके कहा कि ये सारी बातें झूठी हैं, हमसे जबरदस्ती जबरन बयान लिया गया।
तो 8 महीने के बाद कोर्ट ने पूछा, भाई कोई तो सबूत दो। तो एक दूसरे का मुंह देखने लगे, ईडी वाले सीबीआई का, सीबीआई वाले ईडी का, दोनों अपने आका मोदी को याद करने लगे और कहा साहब कोई सबूत नहीं है। तो राजेश जोशी को और गौतम मल्होत्रा को जमानत मिल जाती है। उसके बाद जब इनको फटकार लगी कोर्ट से, जब चारों तरफ थूथू होने लगी, बोले अब तो चेहरा बहुत काला हो रहा है, कुछ तो करना पड़ेगा। परसों से 17 करोड़ की स्टोरी शुरू है। अब यह मनोहर कहानी 1 साल तक छपेगी। बंद करो ये सब जांच, बंद करो ये सब ड्रामे। और ईडी और सीबीआई के अधिकारियों से कहना चाहता हूं, भानु प्रिया जी, अनमोल सचान जी, संजय मिश्रा जी, आप एक बड़ी नौकरी कर रहे हैं, आईआरएस की नौकरी कर रहे हैं। आईएएस, आईआरएस, आईपीएस, ये देश की सबसे बड़ी नौकरी होती है। गर्व करते हैं आपके बच्चे आपके ऊपर, आपका परिवार, आपका समाज कि कितनी बड़ी नौकरी हमारा बेटा या हमारी बेटी कर रहे हैं, और आप लोग ये काम कर रहे हैं, ये घिनौने कृत्य। एक अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को बदनाम करने के लिए ये सारी साजिशें, ये सारी चालें। अब मैं आपको अपने से संबंधित मामला बताता हूं। इन्होंने गलती जो मानी और मुझसे कहा कि साहब गलती हो गई थी, लिखना था राहुल सिंह, लिख दिया संजय सिंह। उस दिन भी मैंने कहा था कि भाई अजय का संजय हो सकता है, विजय का संजय हो सकता है, राहुल का संजय कैसे हो गया? तो बोले नहीं नहीं साहब गलती हो गई और हमने न्यायालय को लिख कर दे दिया। कल वो पत्र हमारे हाथ में लगा, अभी आपको शेयर कर देंगे। इन्होंने एक नहीं, 3-3 जगह चार्जशीट में, पहली चार्जशीट में मेरा नाम गलती से लिखा, दूसरी चार्जशीट में मेरा नाम गलती से लिखा, तीसरी चार्जशीट में मेरा नाम गलती से लिखा, और जब मैंने डिफेमेशन का नोटिस भेजा तब इन्होंने कोर्ट में ठीक किया। इसका मतलब प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर मुझे फर्जी फंसाने और जेल में डालने की गहरी साजिश इनकी थी। अगर मैं डिफेमेशन का नोटिस इनको नहीं भेजता तो ये मुझे निश्चित रूप से जेल में भेजते। आप सोचिए, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को पहली चार्जशीट में आप गलत नाम लिखते हैं, दूसरी चार्जशीट में गलत लिखते हैं, तीसरी चार्जशीट, और ये खुद मान रही है ईडी, मैं नहीं कह रहा, वो चिट्ठी भी आपको दे दूंगा, न्यायालय के सामने इन्होंने लिखा है कि साहब ये तीनों जगह हमसे गलती हो गई। अरे भाई गलती एक बार हो सकती है, और आपको मालूम है ईडी की जो चार्जशीट फाइल होती है वो ऐसे हवा में नहीं होती, बार बार उसको पढ़ा जाता है, 4 बार 5 बार उसकी रीडिंग की जाती है, और एक सांसद का नाम आप शामिल कर रहे हो, आपको पता नहीं चल रहा है 1 बार 2 बार 3 बार आपने चार्जशीट फाइल कर दी, आप मजाक कर रहे हैं। फिर अभी क्या किया इन्होंने ड्रामा, एक व्यक्ति को बेल पे बाहर लाए, जमानत पे उसको बाहर लेके आए, उस व्यक्ति के पहले के बहुत सारे बयान उसमें कहीं कोई जिक्र नहीं, जो अभी का बयान जब वो बाहर आता है उसके बाद का, उसमें फिर मुझे फंसाने की साजिश, उसकी पूरी जानकारी विस्तृत रूप से आगे आपको दूंगा। ये चल रहा है, ये जांच है इनकी। तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि अब ये जो 17 करोड़ की नई मनोहर कहानियां शुरू हुई हैं, ये इस बात को साबित करती हैं कि ना तो ईडी के पास, ना सीबीआई के पास एक पैसे का, एक रुपए का भी कोई भ्रष्टाचार का, कोई बेईमानी का, कोई घोटाले का सबूत नहीं है। शराब घोटाला मनगढ़ंत, फर्जी और झूठ का पुलिंदा है, और उसके जो अधिकारी ईडी सीबीआई के हैं, ये भानु प्रिया, ये अनमोल सचान, ये संजय मिश्रा, ये सारे लोग
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इशारे पर, भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को बर्बाद करने की साजिश का हिस्सा है, और इनसे जुड़े हुए सबूत अब हमारे पास है। वक्त आने पर देश के सामने इसको उजागर करेंगे। जैसे मेरे केस में सामने तथ्य आया, प्रमाण आया और इनको गलती माननी पड़ी, ऐसे ही बहुत सारे साक्ष्य और सामने आए हैं, वो भी आपके सामने समय आने पर रखेंगे। आप सबका धन्यवाद करते हुए मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि जब भी इनकी कोई मनोहर कहानियां या झूठी कहानियां आपको मिले, कृपा करके उसको चलाने से पहले, उस पर कोई बयान देने से पहले आप उसको जांच लें, परख लें, पूरा सच देख लें, तब उसको सामने रखें तो मेरे ख्याल से ठीक रहेगा।